हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गर्ल पर। मैं रश्मि पे। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? और अभी के बच रहे हैं 7-8 7:30। और आज जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, और गेस्ट है मौसी जी। अब मेरे को टेंशन हो रही है कि खाना कैसे बनाऊं, क्योंकि उस दिन घर पे चार आदमी थे, चार में से एक मैं थी, मम्मी थे, पापा थे और मालिक साहब थे, तो सबको अच्छा लगा था। हालांकि चिकन में थोड़ा सा सूप ज्यादा हो गया था उस दिन, हाँ जो भी। और पर आज कैसे बनेगा, क्योंकि आज इतने सारे लोग छह अंडे। अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइस, मौसी लोगों से भी आज आप लोगों से गुफ्तगू होगी, और खाने का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मेरे घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था। हलवा उनको बहुत पसंद आया था और चिकन भी पसंद आया था। ग्रेवी बहुत ज्यादा हो गई थी, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, बट कोई नहीं, उनको पसंद आया था। पर आज मौसी लोगों को मेरा खाना कैसा लगता है, सो गाइस देखते हैं उनका रिएक्शन। तो करते हैं खाना बनाने की तैयारी। हमारे घर में 7 आदमी छी, 1 हमारे सिम्मी से 8, और 3 हमारे कुकुर भैर छी। वो कम से कम 12-13 रोटी खाली राती, कभी में 6 रोटी बढ़ा जाए। हमने 12-13 कुकुर को मार बोलती पहली। आज मैं आप लोग उठाई अपर कुकुर भी बताओ भैरा का, और ये भी बताओ कि ऊखण स्पेशली के डले जाऊं दे मां। फिलहाल तो मैं था टू ईद गाट हो लम खैर आने च। आज भी हमें बहुत ही टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, बहुत ही टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। तो हमारी जो जान है, हमारी रश्मि जी, वो हमारी बना रही है खाना, तो आपको दिखाते हैं। आज वो पनीर बना रही है, बहुत ही टेस्टी था चिकन, तो बहुत ही टेस्टी था। क्या बताया आपको? तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रश्मि आज कैसे बनाती है पनीर। हमारी बेबा ने, हाँ अच्छा जी, क्या डाल दिया आपने? जीरा, और ये देखिए आराम से कह रहा भाई। इसी से पता चलता है हमारी बेबा कितनी एक्सपर्ट है खाना बनाने में। कद का सगोर से कूट कूट सगोर हो रही थी, जन लहसुन अदरक का थे कूट दी ना, उधर गए उन्हीं उन्हीं ये अंदर कूट कूट ही वो चे सगोर। तो ये देखा, ये क्या कर दिया आपने? ये प्याज को डाल दिया। हाँ। प्याज, लहसुन, अदरक, हाँ, और जीरा। ओके, थोड़ी देर इसको ब्राउन होने देंगे। जैसे कि मैंने देखा है यूट्यूब पर भी, और मेरी जो बहन है कुक मीनाक्षी रावत, कौन मीनाक्षी, मीनू दीदी। अच्छा, मैं पूछ के फोन में उसको परेशान करती रहती हूँ, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। अच्छा, तो वो मुझे बताती है। तो मतलब ये वीडियो उनको डेडिकेट है। अगर आज पनीर बेकार बनी तो ये सारा क्रेडिट उसको जाएगा। अच्छी बनी तो आपके आप पे जाएगा। अच्छा अच्छा होने तो। अच्छा, क्योंकि बनाने वाले ने बनाया भाई, बताने वाला गुरु तो पढ़ा ही सकता है ना। अच्छा, शिष्य वही जो सही मिला है ना। नहीं मतलब अगर खराब बनी तो गुरु ने गलत बताया है। अच्छा, अच्छी बनी तो। हाँ, तो ये पनीर आपने इसके पीसेस कर दिया, आपने छोटे-छोटे पीसेस कर दिए। तो अच्छा, जो कि हमारे सिम्मी ने 2 पीस खा भी लिए। अच्छा, सिम्मी ने 2 पीस खा भी लिए, चलो बढ़िया। सिम्मी तो भूखा ही, देखो सिम्मी बैठ भी गई यहाँ पे। सिम्मी देखो बैठ गई, किसी को अंदर नहीं आने देगी। अब सिम्मी किसी को अंदर मत आने, ठीक है? सिम्मी हमारे चौकीदार है। तैयार हो चुके हैं हमारे ब्राउन, और अब हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये क्या क्या है ये? नमक, मिर्च, हल्दी, पनीर मसाला, गरम, थोड़ा सा गरम मसाला, और
और और और यही यही याद नहीं है कि क्या है इसके अंदर। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए खाने कितना खाना कितना टेस्टी होने वाला आज का हमारा। टेस्टी होगा, टेस्ट नहीं भी होगा तब भी टेस्टी बोलो। हाँ हाँ टेस्टी है, टेस्टी है। ओह क्या खुशबू आ रही है। तो इसको अब क्या करना है? मिक्स थोड़ी देर हमने इसको पकाना है क्योंकि मसालों की फिर स्मेल नहीं आएगी। अब हमारे मसाले पक चुके हैं अच्छे से और तेल छोड़ दिया है मसालों ने, तो अब मैं डाल दूं इसमें टमाटर। टमाटर की टमाटर को तो पीस पीसा आपने मिक्सी में इसको है? यस। अच्छा तो ये बेबा जैसे कि टमाटर और ये प्याज आपने काटे और ये मसाले जो लिए आपने, मतलब कैसे कुछ स्टैंडर्ड का या कैसे अपने मतलब कैसे करते हैं इसको, किस हिसाब से लेते हैं? स्वाद अनुसार प्याज को तो देखा जाता है कि किस हिसाब से आपका पनीर है या मटर पनीर चिकन, जिस हिसाब से चिकन होगा उस हिसाब से प्याज कटता है टमाटर कटते हैं। और रही मसालों की बात तो अपने हिसाब से डाल लेता है इंसान, मेरे को तो इतना ही पता है बाकी तो बाकी कॉल करें मीनाक्षी को, मीनाक्षी दीदी को, उनका नंबर हम दे देंगे आपको, किसी को जरूरत हो तो कुक नहीं आती से वो मीनाक्षी जी से कांटेक्ट करेगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में चार्ज लगेंगे, है ना। पैसे मेरे अकाउंट में जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, सही बात है भी। तो इसको अब कितनी देर तक करना है? थोड़ा सा इसको अब हमने थोड़ी देर और वो करना है, पकाना है इसको। अच्छा फिर उसके बाद जब मसाले भी ये पूरी चीजें तेल छोड़ देंगी तब हम समझेंगे हमारा मसाला तैयार हो चुका है और फिर हम डालेंगे मटर। इतना ही बताया हुआ है मुझे अभी। अच्छा ओके, तो इसके आगे जानने के लिए कॉल करेंगे आप? कैमरा ऑफ कर दूं? नहीं इसके आगे भी मुझे पता है। अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही साथ पूछ लिया। अच्छा हमारे अब मसाले बन चुके हैं, अब मैं डाल दूं मटर। अच्छा मटर डालने की वो प्रक्रिया शुरू है? यस। आराम से जी, आराम से आराम से, इतना अच्छा बना रहे हो आप, इतना गिराओ मत, आप गिराओ मत। तो मटर आपने कितने लिए? मम्मी ने दे दिया एक कटोरे, मैंने ले लिए। अच्छा तो अब इसको मटर डालने के बाद कितनी देर तक ये ऐसे ही रहेगा? थोड़ी देर, 2-4 मिनट। अच्छा थोड़े से मटर सॉफ्ट हो जाए जिससे कि हमारे पनीर बनने में ज्यादा टाइम ना लगे, तो पहले मैं इसको बनाऊंगी फिर उसके बाद मैं पनीर डालूंगी। थोड़ी देर पनीर को रहने दूंगी, अगर आपको पनीर में थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो पानी डाल दो, अगर आपको सूखी सूखी पनीर पसंद है तो पानी मत डालो, बस इतना ही पता है मुझे, इतना ही बताया गया है। मतलब ये स्कीम है ये जो बता नहीं रहा किसी को भी है ना। खाना बनाने की बस आधी आधी बता रहे हो हर बार? यस ताकि आप रश्मि की वीडियो थे पूरा देखा। तो आप लोग से ही हाँ, तभी तो आप लोग सभी से ही जो निवेदन की वीडियो थे और चैनल थे सब्सक्राइब करा और वीडियो थे और वीडियो थे कमेंट करा और शेयर भी करा। हाँ तो वीडियो पूरी देखा और देखते रहा सपोर्ट करते रहा, धन्यवाद। अभी और देखा अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। धन्यवाद चाहिए आप लोगों का सपोर्ट करना चाहो, दिल से बहुत प्यार देना चाहिए, धन्यवाद। सो मम्मी आप आज पनीर खाने के रेडी हैं आप? और क्या, क्यों नहीं, पनीर आज बहुत दिन में खा रहे हैं। अच्छा अच्छा और उस दिन का चिकन कैसा था? अच्छा था। घबराइए मत, आपके पीछे रश्मि नहीं खड़ी, आप खुल के तारीफ कर सकते हैं उसकी। कोई बात नहीं, खड़ी हो गई, मुझे उसकी डर थोड़ा है। तो कैसा था अपनी? अच्छा था, अभी पहले तो थोड़ा हो। अच्छा 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 अच्छा, और वो ठीक है। हलवा तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, थोड़ा सा मीठा ज्यादा था, बाकी मीठा था बहुत अच्छा। वो लौकी में प्रॉब्लम थी ना, लौकी ज्यादा मीठी थी, ज्यादा
तो अब पनीर का वेट करते हैं ना, पनीर कैसे बन रही है देखते हैं, खाके स्वादिष्ट होगी। अच्छा तो अब हमारी पनीर डालने की बाजी आ गई है, फाइनली पनीर जारी है अपने स्थान पर, स्थान पर खाने की ओर खाने की ओर अभी नहीं, स्थान पर जा रही है। बेचारे पनीर को भी नहीं छोड़ा खाने से। तो ये वही लोग हैं जो दबा दबा के खाते हैं। मैं नहीं खाती पनीर। अच्छा सकल खाओ, सकल खाओ। पनीर नहीं खाती मैं, सिर्फ नॉनवेज खाती हूँ। ओ भाई साहब, ना मैं मुर्गा खा, नहीं नॉनवेज ना मैं मुर्गा खाती हूँ, बस नॉनवेज खाती हूँ। ना मैं मुर्गा खाती हूँ, बस नॉनवेज खाती हूँ। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाती, सिर्फ मुर्गा खाती हूँ। हाँ बकरा खाती हूँ। हाँ मुर्गे के बच्चे को खाती हूँ, मतलब अंडे को खाती हूँ, मछली को खाती हूँ, बाकी मैं नॉनवेज नहीं खाती। नॉनवेज नहीं खाती है, ये शुद्ध शाकाहारी है, सुन लो जी। शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। और ये अब हमारे प्रेशर कुकर में पनीर ही पनीर नजर आ रही है, देखिए खुशबू तो अच्छी आने लग गई है अभी से मसालों की। तो देखते हैं ये बनता कैसे है, और ये हमारी मौसी को कैसे लगता है, छोटे भाई बहनों को कैसे लगता है। आज मेरी परीक्षा है, आज इनकी परीक्षा है, परीक्षा का दिन। और परीक्षा का दिन बड़ा ही खतरनाक होता है, उससे भी खतरनाक होता है रिजल्ट का दिन, खतरनाक होता है रोटी बनाने का दिन, वो भी गर्मियों में। इतना रोटी बनाऊंगी मैं आज। अच्छा आप रोटियां, आपने बताए थे कि वीडियो में आपके 3-4 कुत्ते भी हैं। हाय मुझे बताया एक गया था, सरप्राइज में 3 और मिले। आपको बताया ये तीन... गया था, एक कुत्तों को खिलाते, सरप्राइज में 3 कुत्तों को 12, 14, 15 रोटी। तो ये डेली का होता है या कभी कभार का होता है? ऐसी कहां किस्मत हमारी की कभी कभार का हो, डेली होता है ये। अच्छा डेली आप जो भागे कुत्ते हैं उन्हें रोटी खिलाते हैं 12, 13, 14, 11 जितनी बोल सके है ना। हाँ। बहुत, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और अच्छा है ना, आजकल लोगों को एक के साथ एक फ्री मिलता है, आपको एक के साथ 3 मिल रहे हैं। ऐसी स्कीम देखी कहीं आपने? भगवान करे ऐसी स्कीम सबको मिले, है ना। अच्छा तो चलिए आप प्रेशर कुकर रखकर उन्होंने ऊपर रख दिया है, तो अब इसको कितनी देर तक ऐसे रखेंगे आप? मम्मी को पूछ के बताऊंगी कितने मिनट तक रखते हैं, शायद 5 मिनट, शायद 10 मिनट। अच्छा शायद। तो फिर चलिए अब मौसी और का रिएक्शन देखेंगे इसके बाद। दूध रख दिया है। हाँ, दूध भी हमने रख दिया है, रख दिया है। अब हमारा दूध होगा गर्म। और ये हो गया हमारे पनीर, पनीर हो गया। मौसी लोगों का इंतजार है हमें, उनका रिएक्शन देखेंगे। तो मिलाएंगे आपको हमारी प्यारी सी मौसी से। हाँ। हमारी मौसी बहुत अच्छी है। हाँ। मैं फाइनली एक ही बार मिली हूँ ना उनसे। आप एक ही बार मिले हो? एक ही बार मिली हूँ, पर बहुत अच्छी है। अच्छा तो आप मेरी वीडियो देखेंगी ना इसलिए। तो फिर अब हम उनसे क्या बोलते हैं, उनके रिएक्शन का देखते हैं, फिर बाद में आप बात करेंगे ना। ठीक है तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं, उनके रिएक्शन का। तो ये देखिए हमारे शेफ को, ये नमक डालना ही भूल गए ये। तो ये इतने अच्छे हमारे शेफ हैं कि इन्होंने नमक डालना ही भूल गए। कोई बात नहीं, छोटे छोटे और बड़े बड़े किचन में ऐसे छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। डालेंगे, बताओ नमक डालना भूल गए थे ये, आज हमें बिना नमक के खाना खिला रहे थे। नहीं नहीं ऐसे कैसे, शायद मुझे लगता है इनकी कॉल बीच में वो हो गई होगी ना, डिस्कनेक्ट या फिर नेटवर्क इशू आ गया जिसकी वजह से वो आवाज कट गई कि नमक डालना इसके बाद। बट चलो फाइनली याद तो आया इनको कि नमक भी डालते हैं, वरना बेइज्जती हो जाती मेरी। हाँ तो ये आप सभी का दोस्तों, आप सभी का प्यार है जिसकी वजह से रश्मि को याद आ गया कि नमक भी डालते हैं। तो चलो ठीक है, अब मिलते हैं इसी रात आपसे, मौसी का क्या रिएक्शन रहता है हमारी। आ गई मौसी हमारी, देख लिया इन्होंने पहले ही, इन्होंने पहले ही देख लिया। मौसी जी आज, मौसी जी आज आप तैयार हैं किस चीज के लिए? आज रश्मि के आज का खाना खाने तैयार है आप? इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी का रखा आपने? ये अनमोल, हाँ छोटे दीवार। तो चलो थोड़ा मौसी को चाय पानी दिया जाए, फिर खाना खिलाएंगे। और मौसी जी के लिए दवाइयाँ भी तैयार रखिए, पेट वेट खराब ना हो जाए कहीं मौसी का तो खाना खाके। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। मौसी कैसी लगी, कैसा लगा पनीर, कैसा लगा पनीर? भाई अनमोल भाई 10 में से 10। अरे वाह 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 वाह, गौतम 11 इवन बढ़िया। अरे वाह जी वाह। मम्मी 10 में से 15। अरे 15 कैसे?
अच्छा अच्छा वो पांच पहले चिकन के दे रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, बढ़िया ला रहा, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। आपका खाना पहली बार पनीर का सब्जी बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा चलो बढ़िया, फिर इसके बाद कुछ कहोगे रश्मि के दर्शकों को कि लोगों को ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलना चाहूंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके ओके, शेयर करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों को, सबको। ओके जी ओके, मौसी आप, मौसी आप कुछ मौसी खाने में भी कुछ नहीं बोलते, चलो खाओ खाओ। चलो इसी यहाँ चलते हैं फिर, बाय 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 कर दो, बाय कर दो, गुड नाइट गुड नाइट। तो खाना बहुत अच्छा लगा है और अब हम खाना खा रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।